हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर को करने से पहले हम लोग जो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने पहले फिफ्थ क्लास में पढ़े थे उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है पॉइंट। बच्ची, पॉइंट क्या है? अ पॉइंट हैज एन एग्जैक्ट लोकेशन, इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। पॉइंट क्या है बच्चे? एक एग्जैक्ट लोकेशन है जिसकी ना तो कोई लेंथ है और ना ही कोई ब्रेथ है और ना ही कोई हाइट है। बच्चे, जब इसको इंडिकेट करना हो तो एक डॉट के साथ हम इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और अगर इसका नेम लिखना हो तो कैपिटल लेटर हम कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर ए लिखा है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट ए है तो इसका नाम मैंने रखा है पॉइंट ए। आप अपनी मर्जी से एक्स वाई जेड एल एम एन कोई भी पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का मेथड क्या है? इसको लिखते हैं पॉइंट ए। ठीक है, तो बच्चे ये पॉइंट जो है बिल्कुल एक छोटा सा डॉट है, ना इसकी लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, बट हम इसको किसके लिए यूज करते हैं? किसी भी चीज को इंडिकेट करने के लिए। सपोज दैट आप लोग, आपके पास किसी भी कंट्री का मैप है तो आप मैप में देखते हो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन दिखाने के लिए एक छोटा सा डॉट लगा होता है उसकी कैपिटल के साथ। ठीक है, तो ये जो डॉट है हम ऐसी जगह पे यूज करते हैं, जैसे गूगल पे हम लोग किसी की लोकेशन सर्च करते हैं कि मेरा घर यहाँ है और आपके फ्रेंड का घर यहाँ है, आपके दूसरे फ्रेंड का घर यहाँ है, तो उस पॉइंट को हम मेंशन क्या करते हैं? मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो इसके लिए हम पॉइंट का यूज करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है लाइन। बच्ची, लाइन क्या होती है? अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ, एक बिल्कुल सीधा स्ट्रेट पाथ है, कर्व्ड या कोई सर्कल में नहीं है, वो एक स्ट्रेट पाथ है विच एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस, जिसको हम दोनों डायरेक्शन से एक्सटेंड कर सकते हैं और वो एंडलेसली है, लिमिटलेस है। ठीक है, दोनों ही तरफ से हम जितना चाहें उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सो इट हैज नो एंड पॉइंट, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये मैंने एक एग्जांपल शो किया है, तो ये एक लाइन है। ठीक है, दोनों तरफ से एरो लगे, इट मीन्स ये लाइन है, इसका यही पहचान है। अगर किसी लाइन में दोनों तरफ से एरो लगी है तो वो लाइन है। ठीक है, इसका मतलब ये है हम इसको इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं जितना चाहे और इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये एरो इसलिए लगाए हैं ताकि हम पूरी शीट में कितना भी शो कर लें ये कभी भी खत्म नहीं होगी। ए साइड से भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बी साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसको लिखने का मेथड क्या है? लाइन ए बी, यहां मैंने दो बीच में पॉइंट लगाए हैं, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? लाइन ए बी। हम लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, यस। तो अगर हम इसमें पॉइंट नहीं भी लगाते तो ये, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो हम इसका नाम लिख देते हैं एल, तब हम इसमें स्मॉल लेटर यूज करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया, राइट? तो हम इसको क्या बोलेंगे? लाइन एल। इसी तरीके से कोई भी, ये आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, ये नहीं कि आपको इस लाइन में स्ट्रेट ही बना, सॉरी हॉरिजेंटल या वर्टिकल बनाना, आप अपनी इच्छा से कहीं भी लाइन बना सकते हैं। इस लाइन का नाम मैंने रख दिया लाइन एम। ठीक है, तो ये अगर पॉइंट नहीं है तो हम स्मॉल लेटर यूज करेंगे, अगर हम कहीं भी पॉइंट यूज कर रहे हैं तो कैपिटल लेटर यूज करने हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट है रे। रे क्या है बच्ची? अ रे हैज वन एंड पॉइंट, रे का एक एंड पॉइंट होता है एंड इट एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। एक तरफ से एंड पॉइंट है, इस साइड से हम नहीं इंक्रीज कर सकते और ये जो इधर से हम जितना चाहे इंक्रीज कर सकते हैं। सी इट, यस, ये ओ पॉइंट है, यहां से हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते बट ए साइड से हम जितना चाहे इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो रे में क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी साइड से हम लिमिटलेस इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। बच्चे, लाइन सेगमेंट क्या है? अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पोर्शन है। ठीक है, इट हैज टू एंड पॉइंट,
इट हैज डेफिनेट लेंथ, इसकी दो एंड पॉइंट होते हैं और इसकी डेफिनेट लेंथ होती है। तो बच्चे जो लाइन सेगमेंट है, सपोज दैट ये लाइन सेगमेंट, लाइन लाइन है हमारी, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या है, अगर हम इसमें से ही एक पोर्शन ले लें, ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ का एक पोर्शन ले लें, देन दैट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। यहां मान लो ए है, ये बी है, ए से लेकर बी तक क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, राइट। तो मैंने इसमें पी और क्यू लिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट पी क्यू, राइट। नाउ आंसर द फॉलोइंग, अब आपने इसमें से कोई क्वेश्चन दिए, आपको लाइन्स रे लाइन लाइन सेगमेंट कुछ दी हुई है, तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। तो बच्चे ये देखिए, फर्स्ट ये आपका क्या है, रे है, ये क्या है, रे, क्योंकि वन साइड से इसका डॉट है और दूसरी साइड से एरो है, तो इट मीन्स ये रे है। और ये आपका क्या है, दोनों ही तरफ से डॉट है, तो इसका मतलब दोनों ही तरफ से पॉइंट है, तो हम इसको बोलेंगे ये लाइन सेगमेंट है। और इसमें क्या है, दोनों तरफ से एरो है, तो इट मीन्स ये लाइन है। और सेम ये दोनों तरफ से डॉट है, तो क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट, इसमें वन साइड से डॉट है और वन साइड से एरो है, तो ये क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। और इसमें दोनों तरफ से ही एरो है, तो इट मीन्स ये आपकी क्या है, लाइन है। और ऐसे ही क्वेश्चन टू, गिव थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ लाइन सेगमेंट फ्रॉम योर एनवायरमेंट। आपके एनवायरमेंट के कोई भी तीन लाइन सेगमेंट बनाइए। बच्चे आपकी कॉपी में, आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करना चाहते हैं, तो मान लो 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, फिर आप उसके बाद कोई भी सेंटीमीटर्स ले लीजिए, तो 4.5 ले लो, 2.5 ले लीजिए, तो आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, बस आज इतना ही है।